हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिस उपाध्याय ब्लॉग्स पर। तो फ्रेंड्स, जो ये वाला ब्लॉग है मैं जो है बुधवार में ही बना रही हूँ दोपहर को, क्योंकि ना अब जा रही हूँ मैं डॉक्टर के और वे आने वाले हैं। मैंने सोचा इससे पहले क्यों ना मौसमी रखी थी वो खाई जाए, और मौसमी खा रही हूँ फिलहाल तो मैं। और आप सोच रहे होगे मैं बार बार एक ही सूट क्यों पहनती हूँ। ये जो सूट ना मेरा ना ठीक है बिल्कुल, क्योंकि अभी मैंने नया सिलवाया है इस वजह से। और जो मेरे पुराने सूट हैं वो सब ना मेरे टाइट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए पुराने सूट मैं नहीं पहनती। और इस वाले सूट में कंफर्टेबल फील करती हूँ कि ढीला सा है हल्का सा, इस वजह से। तो अब जाऊंगी मैं डॉक्टर के यहाँ पे और जो प्रॉब्लम है वो दिखा दूंगी, और जो भी कुछ रिजल्ट आएगा वह मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो वे आने वाले हैं रास्ते में, अभी उनको फोन आया था कि मैं चल दिया हूँ क्लिनिक से और फिर तब लेके जाऊंगा। तो फिलहाल तो मैं मौसमी खा रही थी बैठ के, और उसके बाद जाऊंगी अब मैं भी डॉक्टर के। चले तो अब मिलते हैं उनके आने के बाद। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? तो हमारी वीडियो कल इसलिए नहीं आई, तो कुछ हमारे साथ हुआ है घटना। हमारी गुड मॉर्निंग नहीं है, आपकी गुड मॉर्निंग है और हमारी बैड मॉर्निंग है। तो क्या हुआ है मैं दिखाऊंगा आपको, बताऊंगे भी हम क्या हो गया था क्या नहीं होता। तो फिर हमको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा फिलहाल। तो देखिए इसको प्रेस कर दे फिलहाल, और बहुत दुख हुआ इस चीज़ को, तो मैं बता नहीं पा रहा लेकिन बता देंगे बाद में। हाँ ये देखिए ये आ गया। क्या कह रहा है बाबू? बाबू कह रहा है कुछ, क्या कह रहे बाबू आप? ये तो भाई बल्लो, मुझे क्या कहना। अच्छा फिर के दिखा रहा आपने, बाबू आना चाहिए वीडियो में, इसे कैसे भी आओ। हाँ बाबू आना चाहिए, जैसा गुद्दी लेके। क्या मैंने जैकेट पहन रखी तो उसके चैन बार बार अप डाउन करते रहता है ये, इसलिए मैं उतार देता हूँ, फिर सर्दी होते लगते पहन भी लेता हूँ। ये देखे फिर शुरू हो गया ये, इसका ये काम है। और जो फिलहाल है अब नहाएंगे, बंटी चाचू पिटाई करेंगे तेरी। तो गाइस हम आ चुके थे ऊपर, धूप ले रही थी क्योंकि बाल नॉर्मल नहाए थी और सिर धोया था, तो इसलिए क्योंकि डॉक्टर के जाना है ना, मैं सोच रही कुछ प्रॉब्लम ना, उससे पहले अपने बाल सुखा ले और धूप में। क्या बताएं आपको, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, गलत हुआ जो भी हुआ। हम तो आपको गुड न्यूज देना चाह रहे थे, पर गुड न्यूज की जगह ना बैड न्यूज ही है बिल्कुल। और जो आपने से पहले जो व्लॉग देखा ना, वो दिन का था जिस दिन हम अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए थे डॉक्टर के यहाँ पे, और आप थोड़ी सी क्लिप देख ली होगी स्टार्टिंग में। और हम ना अब उसके बाद की जो है व्लॉग बना रहे हैं वो दो दिन बाद बना रहे हैं, क्योंकि जो बीच के दो दिन थे ना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल थे बहुत ज़्यादा। क्या कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, जब भगवान। तो प्लीज़ हमारा व्लॉग नहीं आ पा रहा तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना भी सबका, क्योंकि अब मैं कुछ दिन तो मैं तो बना नहीं पाने की, यही बनाओगे जितने भी हो सका यही बनाएंगे। मैं इनसे कहूँगी कि थोड़ा थोड़ा डालो, पर डाल दो, डाल दिया करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो ठीक है, सब अपना ध्यान रखिएगा अपनी फैमिली का। तो देखिए हम हॉस्पिटल में आ चुके थे, तो फिर तो ये ग्लूकोज लगाएंगे, दवाई डल ली है, डल ली है, तो काफ़ी दुख अच्छी है का, क्या बताए। ये गाना इग्नोर कर,
तो उसके लिए चला रखा है गाना, फिर से इग्नोर करना शेयर को प्लीज। तो मतलब गाइस, तो पीडीएम का जो ऑपरेशन था वो हो चुका है, और ऑपरेशन जो हुआ अबोशन, तो पीडीएम का अबोशन हुआ, वो जो बेबी था हमारा वो खराब निकला, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत थी। वो आप बोले थे ना गुड न्यूज़, तो गुड न्यूज़ हमारी बैड में बदल गई। तो क्या बताएं, मम्मी भी पे पीडीएम को देखिए, ये अभी होश में नहीं है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही आई है वहाँ से, तो इसको होश नहीं है, मतलब बात तो सुन रही है हमारी ये, लेकिन इसे भी कोई होश नहीं है कहाँ पर लेट रही है कहाँ पर नहीं लेट रही। तो जो बाहर का स्टाफ है ना बहुत अच्छा स्टाफ है, इसे सब हेल्प कर रहे हैं, और जो हमारी मम्मी जी है ना वे बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत प्यार से बहुत अच्छे से मतलब हैंडल किया सब कुछ अपना, हमें सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया था, मगर आपको करना जो करना हमें कुछ नहीं पता। तो उन्होंने तो मम्मी जी बताएगी आपको क्या होता है, मैं नहीं बोल पाने का इसलिए। हमारा बेबी हुआ था, बेबी हुआ ना तो उनके सिर नहीं था अभी ना, वो बढ़ रहा था बच्चा, इसलिए हमने वो करवाया सफाई करवाई बेबी की, है नहीं तो फिर कभी दुख पड़ती। ये वो मतलब बोले थे कि वो कोई नहीं पड़ता इसलिए अच्छे से। तो जो मम्मी जी है खुद इतनी समझदार है, उन्होंने खुद ही समझाया कि बेटा आगे तुम्हारी लाइफ भी ऐसी हो जाती, उसकी भी बेकार होती, तो इसलिए और मोटो को तो अभी कुछ होश नहीं है, ये देखिए लेट रही है, ये बोल ले कि हाँ देखिए इसको बहुत अच्छे से गया मोटो, बस लेट रही है फिलहाल तो। और ऊपर से मम्मी जी ने देखे नाश्ता भेज दिया, मतलब चाय और बिस्कुट नमकीन भेज दिए है, मतलब उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं ना सब कुछ बोलती है कि मुझे पता है मैं क्या करना है, तुम हम तो लगे बैठ जाते हैं उनके ऊपर छोड़ के कि आप करो जो करना है, हमने कुछ नहीं किया सब कुछ उन्होंने किया, डॉक्टर ना भगवान का रूप होता है वहीं बचाते हैं, तो उन्होंने मतलब जो किया सही के लिए किया, पीडीएम की जान बचाई किसी तरह से, वरना बोल रहे थे कि अगर जैसा हमारा यही है मतलब अपनी फैमिली है उनकी, मैं बोल रहे थे कि अगर तुम एक हफ्ता लेट हो जाते तो मेरठ के लिए रेफर करना पड़ता, काफ़ी दिक्कत होती, तो सही टाइम पर तुमने वो कर लिया। तो बोले थे कि कहना अगर एक हफ्ता और रुक जाते ना तुम तो मेरठ के लिए रेफर करना पड़ता मुझे, तो रात उन्होंने समझाया था मैं अच्छे से उनकी बात, हमने बोले थे कि आप घर में जाकर डिस्कस करना, घर में जाकर हमने जो बातचीत करी सबसे सलाह करी, तो जो भी था उसके बाद हमने डिसीजन सही लिया, तो मम्मी कहने लगी तुम्हारा डिसीजन सही था, तो तुम ठीक टाइम पर आके रिपोर्ट वगैरह करी वैसे ठीक थी, लेकिन बोले थे कि बच्चे की जो हड्डी है बन नहीं रही थी, रीढ़ की हड्डी उसका सर नहीं बन रहा था जिस वजह से, तो मम्मी ने कहा कोई नहीं आगे तुम्हारा और अच्छे से होएगा बेबी, मैं ही करूँगी खुद, तुम टेंशन मत लो। तो बस दुख की घड़ी थी हमारे लिए, तो आप सब ध्यान रखिएगा, हमारा ब्लॉग इसलिए नहीं आ पा रहा दो दिन से क्योंकि हमें खुद को होश नहीं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा टाइम मिला था कि आप लोगों के लिए बता देगी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ हमारे साथ में, इसलिए तो मम्मी जी तो ये पूछो उनको मैं दिखाया नहीं, ऊपर जा चुकी है क्योंकि उनका टाइम हो चुका था, टाइम ही अभी मिला है हमें, और पेशेंट नहीं रहते हैं तो उनको टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन वो सबको टाइम देती है, बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं, लेकिन तारीफ की मतलब हम नहीं बाहर बैठे थे ना, हम सुन रहे थे, बोल रहे थे कि इतने अच्छे से करते, जो ऑपरेशन होना होता है ना तो उसको भी नॉर्मली करते जाते रहिए, ये कोशिश करते हैं कि सबका बच्चे नॉर्मली हो, उनके यहाँ पर नॉर्मली बच्चे होते हैं, इसीलिए नाम तो आपने सुना ही होगा गांधीनगर में उर्मिला हॉस्पिटल के नाम से है, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, जो सब्सक्राइबर आते तो पता है हमारे कि उनको जानती है, इसीलिए तो फिर हम तो अभी जब फोर्स में आएगी तो आपको मिलवाऊंगा, फिर जब से भी मैं बताएगी कुछ है। और मामी जी भाभी जी है, मतलब भैया भी डॉक्टर, पूरी फैमिली डॉक्टर है यहाँ पे, तो उनका ये हॉस्पिटल है खुद का, काफ़ी अच्छा लगा अपनी फैमिली के पास आना अच्छा लगता है हमें, तो ठीक है फ्रेंड थोड़ी देर बाद मिलूंगा मैं आपसे, फिलहाल फिर हम थोड़ा ध्यान रख लूँ मैं और मम्मी को देखी, मम्मी बैठी है, और जो इसका हॉस्पिटल का स्टाफ है ना वो पीडीएम की व्लॉग देखता है सारा का सारे, ये बोल लेते दीदी हम आपके व्लॉग देखते हैं सारे, तो बोल लेते हम आपके व्लॉग देखते हैं पीडीएम दीदी का, तो सारा स्टाफ जानता है पीडीएम को, आते समझ जाते हैं कि हाँ मिस्टर एंड मिसेज उपाध्य आ चुकी है, तो पीडीएम अभी थोड़ा लेट रही है, चाय पीते हैं क्योंकि सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया, और अब भी मैं चाहेंगे। तो जो है हम घर पर आ चुके थे और पीडीएम दीदी फिर लेट रही है यहाँ पर, और बीच में खाना खाया, खाना खाने के बाद खुल उठा दिया था, तो हम भाई वाले रूम में लेट रहे नीचे क्योंकि ऊपर तो आने जाने में दिक्कत होती, तो हम नीचे एडजस्ट हो गए और शिफ्ट हो गए मतलब, और प्रियम भी यहीं पे हमारे पास में, मैं प्रियम और मम्मी जी भी मतलब भारी बट्टी है, ये हटाओ थोड़ा सा है। ये पर्दा कह रही, पर्दा हटाने को लिए फिलहाल तो मैं देखो ठीक हूँ, थोड़ी कमजोरी से आ रही हूँ। कोई नहीं बाबू सब ठीक हो जाएगी, कमजोरी भी आपकी
टेंशन मत लो, मैं हूँ साथ में, सब है आपके, सब है पागल लड़की। आप भी हो। जी, और फिर आपने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत ज़्यादा हिम्मत, इतनी तो मेरे अंदर भी नहीं, बोलता ना कि आदमी के अंदर ज़्यादा होती है, इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी जितनी फिर हमने दिखाई। सच में बहुत ब्रेव है। माता रानी साथ है। माता रानी भी साथ है और फैमिली भी साथ है, मतलब पूरी फैमिली सबने समझाया, ये नहीं कि यहाँ वाली, मतलब सारी फैमिली जितनी होती है सबने समझाया हमें बहुत अच्छे से। और प्रियम ने तो मुझे संभाल ला, मैं ना संभाल के प्रियम ने संभाल ला मेरे को। देखिए तो उल्टा काम हुआ हमारे साथ है, मुझे इन्हें संभालना पड़ा जबकि इन्हें मुझे संभालना चाहिए था। बहुत बढ़िया मोटो बनना पड़ा बाबू, प्यार करो आपसे बहुत ज्यादा। मोटी पागल लड़की। आप रोते हैं देखे जाते हैं मेरे से। तो हमारा ब्लॉग आज भी इसलिए नहीं आया, मतलब कल भी इसलिए नहीं आया, तो जो हम ब्लॉग बना रहे वो कल डालेंगे अगर ही सही हम रही तो। थोड़ा हाँ, थोड़ा इकट्ठा कर रहे हैं बस, थोड़ा और थोड़ा ही, सब मतलब कर जितना रहे भी टाइम हैं। मिला था थोड़ा बहुत हम इकट्ठा कर रहे हैं कि आप सबको बता दें क्या हुआ है हमारे साथ, क्या नहीं हुआ। हुआ तो बहुत ही गलत है, बस जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है, वैसे तो कुछ उसके सामने कुछ किसी की नहीं चलती भगवान के सामने तो, लेकिन क्या करें। हम तो ये सोच रहे थे 3 महीने पूरे हो जाएंगे आप सबको कंप्लीट होने के बाद, गुड न्यूज देंगे, और फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाने गए तो हमें ये बैड न्यूज इतनी अच्छी मिली बहुत ज्यादा। बाकी जो परसों का दिन था ना, हम सोच रहे थे कि परसों जो है उससे अगले दिन का ब्लॉग जो कल आने वाला था ब्लॉग हमारा, तो हम काफ़ी खुश थे कि मगर सबको बताएंगे कि 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। फिर हमको आप सब लोगों के कमेंट आते थे कि दीदी प्रेग्नेंट हो, दीदी यो हो, मतलब ऐसे, तो मगर सबको एक अच्छे से सरप्राइज देंगे, गुड न्यूज़ देंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो बैड न्यूज़ देनी पड़ेगी गुड की जगह। बहुत गलत हुआ सच में। भगवान किसी के साथ ना हो, किसी की भी साथ भगवान ना हो, दुश्मन होता है ना किसी के दुश्मन, साथ भी ना दुश्मन के साथ करे, भी मत हो, बस मैं तो ये कहता हूँ। सब अपने अच्छे से रहे घर में, बहुत हम पे तो जब बीत गई बीत गई, लेकिन भगवान किसी पे ना ऐसा होने दे। तो प्लीज़ ध्यान रखिए सब लोग, और ये पीएम आपके लिए थोड़ा बहुत जो लोग बोल रही है इसकी हिम्मत है बहुत, वरना मोटो। सबने हिम्मत दे रखी मुझे तो। तो प्लीज़ गुड नाइट आप सबको, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को, यूट्यूब की फैमिली को, आप हमारे इतना सपोर्ट करते हैं, व्लॉग देखते हैं टाइम निकाल के, तो सॉरी हम व्लॉग नहीं ला पा रहे, इसलिए कुछ मजबूरी हमारी इसलिए नहीं आ पाए, आपको बता दीजिए क्या मजबूरी थी हमारी, इसलिए तो सॉरी उसके लिए प्लीज़। तो कल हमारा जो व्लॉग आएगा आप हमें देख सकते हैं क्या हमारे साथ दुर्घटना हुई क्या नहीं हुई।